अल्लाह हाफिज। चौड़ी चाय साहब आ रहे भाई। कोई कामयाब नहीं हुए असी क्या कि तनखावां तो जिहड़े वाजबात ने साडे सारे इन्हां तो अलावा असी तुहाडी कोई गल नहीं सुणदे और साडे तिकर भी जिहड़ा वे उहनां नूं भी कोई उम्मीद नहीं है कि साडे 10 दिन लगने के 15 दिन लगने। इस लई असी सारिआं ने यह फैसला किया कि जिन्नी देर तक साडे बकाया जात साडीआं तनखावां साडा आजादीआं साडी 13वीं तनखा सानूं नहीं दित्ती जांदी उन्नी देर तक फैसलाबाद शहर के कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। सुबह सारे वर्कर जड़े ने सवेरे से सवेरे अपनी हाजरी से जाएंगे अपनी स्कैनिंग कराएंगे उसके बाद कोई स्कैनिंग नहीं है जी। उन्नी देर तक तुसी अपने अपने हाजरी पॉइंटा ने तो रहना उसके बाद तुहाडी छुट्टी काम किसी ने नहीं करना है भावें तुम भावें डी सी ओ कहे भावें ए एम कहे तो भावें डी एम कहे इन्हें भी इलाज कर लेंगे। काम जरा वे तुम हम तैयार हो सारे इस गल जो काम करेगा वह की इलाज है पूरे शहर फैसलाबाद में किसी को काम नहीं कर देना हम सारे दोस्त इस तरह ही पुरअमन तरीके अपने अपने घर च जा कल तो काम किसी ने नहीं करना अज भी नहीं होया उन्नी देर तक काम नहीं होगा जिन्नी देर गए सानू सारे वाजबात नहीं मिलते। पाकिस्तान को आपने कैसे बनाया है पाकिस्तान तो है ही आपका और ये जो लोग बैठे हुए ना वो अंदर डीसीओ मीसीओ ये आरपीओ सीपीओ डीपीओ ये सब आपके कमी है। ये आपकी अहमियत बताने जा रहा हूँ और आपकी जो तनख्वाह है ना आपकी तनख्वाह से इनकी गाड़ियां चलती हैं अल्लाह की कसम। आपकी तनख्वाह में से जो टैक्स कट जाता है वो टैक्स से ये आपके वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं ये डीसीओ ये आरपीओ ये सीपीओ इवन के ये जितने भी तनख्वाह भी आप देते हो। अभी सुनो और बंदा जिसको तनख्वाह देता हो वो बड़ा है या लेने वाला बड़ा है जो देने वाला हाथ है वो बड़ा है ना तो इनकी गाड़ियों का डीजल तो आप चलवाते हो तो ये क्या क्या बड़े हुए और ये आपकी जूतियों के खाक बराबर है अल्लाह की कसम। सुनो जब पाकिस्तान बना था ना पाकिस्तान बनने से पहले की बात है पाकिस्तान बनने से पहले की बात है
इलामा इकबाल ने आप लोगों के लिए क्या फरमाया था? इलामा इकबाल ने फरमाया था, और आप 98% लोगों जो इस मुल्क को चला रहे हो, 2% है उनमें ये डीसीओ मीसीओ भी है। अभी पिछले दिनों ये इधर एक कमिश्नर साहब आए हैं, माशाल्लाह, क्या उनका नाम है, सलवट के कौन है, अच्छा वो, मैंने उनसे मिलने के लिए चला गया, मैंने कहा जी मैं मिलने आया हूँ, उन्होंने कहा जी पर्ची भिजवाए, मैंने कहा चले पर्ची भिजवा देते, मैंने अंदर पर्ची भिजवाई, हालांकि मुझे इजाजत नहीं, मैं वकील के साथ साथ एक अवामी जस्टिस पार्टी का पाकिस्तान का सरबराह आपसे मुखातिब हूं। अज दा इकट ए साबित करदा पिया वे के वर्कर नूं शौर है, वर्कर अपना हक लेना जानदा वे, और ये जिहड़ियां नौजवान छड़ियां ने जी नाज़रीन, ये देखे सच्चे जज्बात, जिनको सैलरी नहीं मिल रही वो परेशान हो रहे हैं, ईद भी इनकी आ गई है, बहुत परेशान है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर हम अपने बहन भाइयों के लिए इतने परेशान हैं कि हमें पता है हमारे बच्चों के स्कूल की फीस देने वाली है, हम इतने परेशान हैं, हम किलो किलो आटा ला कर अपना गुजारा कर रहे हैं, हमें पता है हम अपना कैसा गुजारा कर रहे हैं, 2 महीने का किराया मेरे मकान का, मेरे मकान वाले कह रहे हैं ए सामान निकाल और मकान ले ले कोई, मैं कहाँ से लूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान है। सैलरी मैं सरकारी मुलाजम कॉर्पोरेशन का, मैं डेली कूड़ा उठाता हूँ, कूड़ा बन गया हूँ कूड़ा उठा उठा के, लेकिन ये मेरी कोई बात नहीं सुनते, मैं इतना परेशान हूँ कि छोड़ दो, ये सब ये डीसीओ ऑफिस क्या है, इस डीसीओ ऑफिस को क्या समझे हम, जब ये हमारी कुछ सुनते ही नहीं। सुपरवाइजर इंस्पेक्टर आपके सदर ने अभी आपको ऑर्डर किया है कि आपने काम नहीं करना, आप अपने हक के लिए काम करेंगे कि ये छोड़ेंगे? नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम अपने कैमरे के सामने खलो के हम अपने यसु नासरी को पेश करते हैं, हाजिर नाजिर करते हैं, हम काम नहीं करेंगे, हाजिरी लगवानी है लगाएं, लगानी है लगाएं, नहीं लगानी ना लगाएं, हम नई नौकरी, ये हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, हमारा ऊपर यसु नासरी बैठा है हमें पालने वाले, रोज की रोटी देने वाला, ये हम इन फैसलाबाद की कॉर्पोरेशन को हम कुछ नहीं मानते, कंपनी को कुछ नहीं मानते। जी नाज़रीन, ये कोई सियासी जलसा नहीं है, ये मेहनत कश लोग हैं जिनको अपना हक नहीं मिल रहा, उनकी सैलरीज नहीं मिल रही। जी कब से आपको तनख्वाह नहीं मिलन दी? 6 माह से हमारा बकाया है और ईदे वहाँ के पैसे और 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही, और हम चाहते हैं हमारा कृषि सहारा है इस पर हमारे सारे, ये कोई सियासी हमारी मीटिंग नहीं है, ये मजदूरी हम मांग रहे हैं हुकूमत से और अल्लाह से, तो मेहरबानी होगी अगर आप जो हमारी मेहनत, क्या कहना चाहते हैं? पूरा साल काम करीदा वा, क्रिसमस आंदा वा, असीं लोगों मनाउण वास्ते बच्चियां दे कपड़े पट्टियां, लेकिन लिहाजा साल के अंदर असीं बच्चियां नूं खवाना नहीं हुंदा वा, लेकिन सानूं इह तनखाहां नहीं दिंदे हैगे, साडा खर्चा लगा हुंदा वा, राशन पानी लगा हुंदा वा, किराने दी दुकानां ते उन्होंने सानूं राशन देना बंद कर दित्ता, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ठीक है लिहाजा जुर्माना भी सानू पाते सानू तनखा लेट करके देंगे ने सा जुर्माना जरा दो दो तीन तीन हजार जी नाजरीन देख रहे हैं कि तनखाए ना मिलने से उनके मीटर भी कट गए हैं और एक और मसला बन रहा है जो बैंकों में इन्होंने अपना लोन लिया उनकी इंस्टॉलमेंट का जुर्माना भी उनको पे करना पड़ा और स्कूलों से बच्चों को खारिज कर दिया गया और उनकी जो फीसें वो भी नहीं दी जा रही। लाला जी आज आपने सारा दिन मजदूरों के लिए गुजारा तो आपने काम छोड़ हड़ताल का ऐलान दे दिया जी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये है कि 6 साल हो गए हड़ताल में जाना पड़ता है बार बार हमें बिगाड़ जाना पड़ता है। आज भी आपने देखा है कि मजदूरों ने कैसे अपना खेती की शादी देखकर बिगाड़ किया है। अभी इंतजामिया ने हमें बुलाया था और उन्होंने कहा कि ये है मामला 61 करोड़ रुपए का 61 करोड़ रुपए के वाजबात हैं कंपनी की तरफ मुलाजमत के और जो तनखाएं बढ़ी हैं वो भी अभी तक नहीं। तो हमने कहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम लोग काम नहीं करेंगे और आज से तमाम सैनिटरी वर्कर जो है फैसला बन जाएंगे वो अपने अपने राशियों पर रुक जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। जब शहर में कुछ ज्यादा पूरा जो है वो इकट्ठा हो गया और जहाँ पर पूरे के पहाड़ खड़े हो गए ना तो फिर इनको होश आएगी। पंजाब हुकूमत और खासकर सैनिटरी प्लांट जो है ठीक है ना लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए। सीएम जो है लाहौर में कभी तनाव का मसला नहीं बना। फैसलाबाद में आज 6 साल हो चुके हैं कि यहाँ के मामला ठीक हो रहे हैं और लाहौर में जो है वो जो अपना डेली वेजेज है उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी हो गए हैं और हम मुतालबा करते हैं सीएम साहब से और उनको मैं कहना चाहता हूँ सख्ती के साथ कि ये होगा मजदूर भूखा मरे और हुकुमरान जो है वो यशिया करें।